पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार प्रदेश को बर्बाद और तबाह कर रही है, कैसे पैसे की लूट की जाए सिर्फ इस बारे में सोचा जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी ने अपनी मर्यादा तोड़ दी है, इस सरकार में रेट तय हैं फिर भी पैर छूने पड़ रहे हैं। दिव्य सिंह के अनुज और विधायक लक्ष्मण सिंह को लेकर शिवराज ने कहा कि लक्ष्मण सिंह खरा बोलते हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अब तो चेत जाइए, जमाना कह रहा है सरकार काम नहीं कर रही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निगम कमिश्नर के पैर छूने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में रेट तय है फिर भी पैर छूने पड़ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की अपनी मर्यादा है, ऐसा नतमस्तक होना उनकी छवि और कर्तव्य निष्ठा पर सवाल खड़े करता है। बिना रीढ़ के लोग लूट के पैसों के हिस्सेदार बन रहे हैं, इसीलिए चरणों में गिर रहे हैं। किसी छोटे अवसर पर टिप्पणी करना मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन बिना रीढ़ के लोग लूट के हिस्से में भागीदार बन रहे हैं और उसके लिए चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे अफसरों से प्रदेश की कल्याण की और जनता के प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण की आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप बिना दिए दिए तो कोई पोस्टिंग होती नहीं। इस सरकार में रेट तय और तय के बाद भी पैर छूने पड़ते हैं, ऐसा राज हमने कभी नहीं देखा। लक्ष्मण सिंह के मुख्यमंत्री कमलनाथ को मजबूर मुख्यमंत्री वाले बयान को लेकर शिवराज ने कहा कि लक्ष्मण सिंह खरा बोलते हैं, जमाना कहता है सरकार काम नहीं कर रही है, चलती का नाम गाड़ी है, पैसे की लूट मची है। विकास के लिए ग्राम पंचायतों में जो पैसा गया था वो वापस ले लिया गया, केवल कैसे लूटे यह चल रहा है, प्रदेश तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, अब तो चेतो कमलनाथ। लक्ष्मण सिंह खरा बोलते पर हम नहीं कहते, जमाना कहता है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार केवल चलती रहे। ये चलती का नाम गाड़ी है और गाड़ी चलाने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा टैक्स के रूप में आ रहा है उसकी लूट मची हुई है और लूट के हिस्से में कौन इतना बड़ा भागीदार बने, प्रतिस्पर्धा इसी की चल रही है, प्रदेश तबाह हो रहा है, विकास के काम पड़े ने पंचायतों तक से पैसा मंगवा दिया, जितने स्वीकृत काम थे अकेले बुधनी विधानसभा क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क की राशि से जो स्वीकृत काम थे 37 वो निरस्त कर दिए, पैसा वापस बुला लिया। जनपद पंचायत के सदस्यों से जिला पंचायत के सदस्यों जो निधि होती थी वो वापस बुला ली, सरपंचों से पैसा वापस बुला लिया, बजट के पैसे की बंदरबाट कैसे करें किसी काम में लगे हुए हैं, ये सरकार कहीं नहीं चल रही, अब तो चेतो कमलनाथ। पवई से विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता के मामले में शिवराज ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पक्षपाती हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव विधानसभा अध्यक्ष को ढूंढ रहे हैं और वो हैं कि मिल नहीं रहे, प्रहलाद लोधी विधायक हैं, उनको लेकर विधानसभा में जाएंगे। डेंगू के कहर पर शिवराज ने कहा कि कम से कम स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने ये स्वीकार तो किया कि डेंगू की रोकथाम के लिए पहले से एक्शन प्लान तैयार करना था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।